हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो सर, इस वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है लैचिंग का कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें लैचिंग के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके पास PLC में होते हैं पुश बटन। तो मान लीजिए, एक मैं एक तरह के पुश बटन के बारे में बात करूँगा। ये आपके पास वोल्टेज सप्लाई है और यहाँ पर ये एक पुश बटन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक LED लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही पुश बटन क्या होते हैं, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, यहाँ पर एक बटन है मान लीजिए, जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे ये क्या होगा, यहाँ से टच हो जाएगा और सप्लाई को पास कर देगा। सप्लाई को पास कर देगा मतलब आपको आउटपुट मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट मिल जाएगा। और जैसे ही आपने इस बटन को छोड़ा, इसने सप्लाई से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया और आपको आउटपुट मिलना बंद हो गया। यानी कि जैसे कि जब तक पुश बटन को दबाए हुए हो तब तक LED ऑन है, जैसे ही इसको आपने छोड़ दिया LED ऑफ हो गया। तो कई बार क्या रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, कि आप चाहोगे कि मैं एक बार पुश बटन को दबाऊं, कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था बनाऊं कि मैं एक बार पुश बटन को दबाऊं और मुझे आउटपुट मिल जाए, और जब मैं इसको छोड़ भी दूं तो भी मुझे आउटपुट मिलता रहे। तो ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, जैसे कि आपसे के किसी घर वाले ने कहा कि भाई मुझे मोटर मुझे ऑन करना है, ठीक है, तो मोटर मुझे ऑन करना है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं एक बार बटन को दबाऊं और मोटर ऑन हो जाए, ठीक है, और वो फिर चलती रहे, मैं उस बटन को छोड़ भी दूं तो भी चलती रहे। क्योंकि कोई ये भी नहीं चाहेगा कि मैं बटन को पुश करे ही खड़ा रहूं और मोटर चलती रहे और फिर जब छोड़ दूं तो मोटर बंद हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो बेसिकली इसके लिए हम सीखते हैं लैचिंग का कॉन्सेप्ट, कि भाई हम एक बार पुश बटन को दबाएं मुझे आउटपुट मिलता रहे। तो आप समझ गए होंगे लैचिंग का क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, लैचिंग करते कैसे हैं। लैचिंग में आपके पास जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मली ओपन स्विच है, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ये हम लोग कंप्यूटर पे सब प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर इसको मैंने दे दिया एड्रेस I0.0 और आउटपुट कनेक्ट कर दिया यहाँ पे Q0.0, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे एसोसिएटेड एक PLC में यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है, ये, और जब मैं इसको दबाऊंगा ये आपका आउटपुट वन हो जाएगा, आउटपुट वन हो जाएगा यानी कि आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। दबाता हूं तो यहां से ये ऐसे करके पाथ को क्लोज कर देता है और सप्लाई यहां से आपके आउटपुट को मिल जाती है, ठीक है। अब एक बार तो मिल गई सप्लाई, अब जैसे ही आपने छोड़ दिया इसने यहां से पाथ को ओपन कर दिया ये, ठीक है, और आपको सप्लाई मिलना बंद हो गई, ये होता है बेसिकली। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई एक बार बटन को दबाऊं सप्लाई मिलती रहे, तो हम लोग क्या कर देते हैं, लैचिंग कर देते हैं। लैचिंग में क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक पैरेलल में एक और नॉर्मली ओपन स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और इसका एड्रेस दे देते हैं आउटपुट वाला, क्या है, Q0.0 एड्रेस दे देते हैं। अब इससे क्या फायदा है, देखिए इससे ये फायदा है, जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यहां पर मेरे पास एक बटन था और मैंने उस बटन को दबाया कट, और इसने सप्लाई को पास किया, सप्लाई ऐसे गई और Q0.0 ऑन हो गया। ऑन को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे ये ऑन हुआ Q0.0 वन हुआ, ये भी Q0.0 है, इसको एज अ इनपुट यूज किया है तो ये भी वन हो गया। और इसके वन होने का मतलब क्या है, इसके ऑन होने का मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन स्विच के ऑन होने का मतलब दोस्तों ये है कि वो पाथ दे देगा, वो ऐसे करके क्लोज हो जाएगा, तो ये वन हो गया तो इसने पाथ दे दिया, ठीक है। अब मैंने स्विच को छोड़ दिया, तो स्विच को छोड़ दिया तो यहां से पाथ मिल रहा था जब तक स्विच मेरा दबा हुआ था, जैसे मैंने छोड़ दिया इसने पाथ देना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले स्विच ने पाथ देना छोड़ दिया लेकिन नीचे से तो पाथ मिल रहा है ना, तो हमें सप्लाई ऐसे करके हमारी चली जाएगी। आपको याद होगा चौथी वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, मल्टीपल इनपुट का कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए सिखाया था ताकि ये चीज जो है वो आपको समझ में आए। तो जैसे ही इस प्रक्रिया को पूरा समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, I0.0 को जैसे ही मैंने प्रेस किया ये वन हुआ और इसने क्या करा, सप्लाई को पास किया, सप्लाई पास किया तो क्या हुआ, Q0.0 ऑन हो गया यानी कि वो वन हो गया। जैसे ही आउटपुट वाला Q0.0 वन हुआ, नीचे से जो इनपुट लगा है जिसको हम लोग जिसका जिसका भी नाम Q0.0 है वो भी वन हो गया यानी कि वो भी ऑन हो गया, और उसने फिर सप्लाई को पास करना शुरू कर दिया।
अब जैसे फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो फिर ये क्या हो गया, चौथी स्टेज में I 0.00 हो गया, लेकिन अब ये ऑन रह गया नीचे से ये, तो सप्लाई ऐसे जाती रही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली लैचिंग का। अब क्या ये बताओ, अब एक बार ये एलईडी ऑन हो गई, आउटपुट पे जो लगी चीज थी वो ऑन हो गई, तो अब क्या वो बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी। क्यों? अब इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक बार ये ऑन हो गया तो ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा।